डिस्टेंपर डॉग में होने वाला एक खतरनाक बीमारियों में से एक है फ्रेंड। इसकी वजह से हर साल बहुत सारे डॉग की जो है मौत हो जाती है। अधिकतर जो डॉग ओनर हैं इसके बारे में पूरी तरह से अवेयर नहीं रहते, मतलब इस डॉग के डिजीज के बारे में पूरी तरह से जानते नहीं है। तो फ्रेंड इसकी एक वजह ये भी है कि जिसकी वजह से जो है डॉग की मौत हो जाती है, और वो समय पर प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर उनको मिल जाता है तो फ्रेंड इसका जो है 100% जो है इलाज हो सकता है। तो फ्रेंड आज के वीडियो में मैं आपको कैनाइन डिस्टेंपर के बारे में पूरा बताने वाला हूँ, और इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप अच्छे समझ लेंगे और फ्यूचर में आप इस रोग से अपने डॉग को जो है बचा सकते हैं। तो फ्रेंड आप वीडियो पे बने रहिए। हाय एवरीवन, नमस्कार, मैं आपका वेट डॉक्टर डॉक्टर सुभाष चंद मौर्य। वेलकम एट योर फेवरेट यूट्यूब चैनल डॉक्टर पेट्स। कैनाइन डिस्टेंपर एक वायरल डिजीज पैरामिक जो वायरस से होता है, जो बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज होता है। इसका ट्रांसमिशन मेनली एयरबॉर्न से होता है, मतलब अगर कोई भी इन्फेक्टेड डॉग जिसको कैनाइन डिस्टेंपर हुआ हो, अगर उसको स्नीकिंग कफिंग होती है तो इसका वायरस जो है एनवायरनमेंट में पूरी तरह से फैल जाता है। तो अगर उसके संपर्क में कोई हेल्दी डॉग आता है तो उसको ये इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरा जो ट्रांसमिशन के रीजंस हो सकते हैं, वो जैसे मान लो उसको सिक्रीशन, जैसे आई सिक्रीशन हो गया, सलाइवरी सिक्रीशन हो गया, यहाँ तक कि यूरिन से भी किसी हेल्दी डॉग को जो है फैल सकता है। इसके अलावा फ्रेंड कोई भी जो है कंटामिनेटेड फीड हो गया, वाटर हो गया, या तो जो है यूटेंसिल्स, मतलब डॉग का जो है अगर यूटेंसिल्स जो है कोई हेल्दी डॉग यूज करता है तो जो है उसको भी ये रोग होने के चांसेस रहते हैं। फ्रेंड अब मैं आपको बताता हूँ इसका साइन सिम्टम्स क्या होता है। फ्रेंड सबसे पहले इसमें जो है हाई टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर जो है कभी कभी 104 डिग्री फारेनहाइट के ऊपर हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, एनोरेक्सिया तो कॉमन है, मतलब वो डॉग जो है पूरी तरह से खाना पीना छोड़ देता है। और फ्रेंड इसका फीवर जो है एक स्पेशल टाइप का होता है, जिसे बाइफेजिक फीवर कहते हैं। इसमें क्या हो गया, इनिशियली जो है टेम्परेचर बढ़ता है, फिर कुछ समय बाद घट जाता है, और कुछ दिनों बाद 10-11 दिन के बाद जो है फिर से वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। फ्रेंड जो कैनाइन डिस्टेंपर का वायरस होता है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को इफेक्ट करता है। जैसे अगर जो है स्किन में अगर अफेक्ट करता है तो इसकी वजह से क्या होता है, डॉग में जो है पुस्टूल्स मतलब एब्डोमिनल रीजन में थोड़े थोड़े दाने निकल आते हैं, जिसमें जो है पस भरा रहता है। अगर ये काफ़ी समय तक इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पॉज में जो है हाइपर केराटिनाइजेशन हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है वो डॉग जो है ठीक से चल फिर नहीं पाता है। इसलिए इस डिजीज़ को जो है हार्ट पैड डिजीज़ भी बोलते हैं। इसका जो दूसरा फॉर्म होता है पल्मोनरी फॉर्म, इसमें क्या होता है डॉग को कफिंग होता है, स्नीजिंग होता है, कभी कभी जो है निमोनिया के साइन सिम्टम्स भी डॉग में दिख जाते हैं। और फ्रेंड अगला फॉर्म जो होता है उसमें होता है नर्वस फॉर्म। इसमें क्या होता है, नर्वस डिसऑर्डर्स हो होता है, क्योंकि इसमें ब्रेन में जो है अफेक्ट करता है वायरस, उसकी वजह से क्या होता है ब्रेन में सीजर्स हो सकते हैं, उसको जो है कोरिया आता है, मतलब उसकी बॉडी जो है कपकपाती रहती है, और उसको जो है चीविंग मोमेंट मतलब वो चबाती रहती है। तो फ्रेंड ये सब साइन सिम्टम्स हुए नर्वस साइन के, इसमें जो है आपको फिट्स भी जो है नोटिस हो सकता है डॉग में। फ्रेंड जो अगला फॉर्म होता है कैनाइन डिस्टेंपर का होता है ऑकुलर फॉर्म, मतलब उसमें क्या होता है आँखों में इन्फेक्शन, इसकी वजह से क्या होता है डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज क्या होता है, इनिशियल तो वाटरी रहता है लेकिन बाद में क्या होता है उसमें से पस सिक्रीशन होने लगता है, और कभी कभी क्या होता है जो कॉर्निया में जो है अल्सर हो जाता है। इसके अलावा कंजंक्टिवाइटिस मतलब रेड आई कंडीशन देखने को भी आपको मिल सकता है। अगला फॉर्म जो होता है डॉग में वो होता है गैस्ट्रो फॉर्म, मतलब इसमें क्या होता है डॉग में जो है लूज मोशन हो सकता है, उल्टी हो सकती है, और उसको जो है कभी कभी क्या होता है ब्लडी डायरिया भी हो सकता है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं जैसे जो है पारवो इन्फेक्शन में जो है जो साइन सिम्टम दिखते हैं, तो वैसे ही जो है इसमें भी जो है साइन सिम्टम वो दिख सकते हैं। तो फ्रेंड जितना मैंने साइन सिम्टम्स बताया, ज़रूरी नहीं कि हर एक डॉग में जो है वो एक समय में सब कुछ हो जाए। तो फ्रेंड किसी किसी डॉग में जो है कुछ अलग सिम्टम दिखते हैं, किसी में जो है एक ही फॉर्म दिखता है, किसी में दो फॉर्म दिखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसका आगे का प्रोग्नोसिस वो किया जाता है। फ्रेंड अब बात करते हैं इसका डायग्नोसिस आपका वेट डॉक्टर कैसे करता है। तो पहला जो नंबर है वो जो है उसकी हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन, मतलब अगर उसको अगर पास्ट में जो है कोई भी वैक्सीन नहीं दिया गया है तो उसको जो है डिस्टेंपर होने के चांसेस हैं। दूसरा जो क्लिनिकल साइन सिम्टम बताया उसके आधार पर कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे रैपिड किट भी अवेलेबल हैं, तो उससे जो है लगाया जा सकता है। फ्रेंड अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। फ्रेंड है एक वायरल डिजीज़ है, इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे अगर डॉग में जो है उल्टी हो रही तो एंटीबायोटिक दिया जाता है, एंटासिड दिया जाता है। अगर वो खाना पीना बहुत दिनों से नहीं खा रहे तो उसको जो है फ्रूट थेरेपी दिया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड जो है उसको एंटीबायोटिक दिया जाता है, क्योंकि जो है पल्मोनरी फॉर्म में निमोनिया के चांसेस होते हैं, और सेकेंडरी इन्फेक्शन के बचाने के लिए भी जो है एंटीबायोटिक दिया जाता है। और उसको जो नर्वस साइन शो होते हैं उसमें क्या होता है कोरिया या फिट्स साइन जैसे सिम्टम्स दिखते हैं, तो उसको जो है कम करने के लिए जो है उसको सीडेटिव दिया जाता है। फ्रेंड कभी कभी आपका वेट डॉक्टर जो है डिस्टेंपर एंटी सीरम यूज़ करने के लिए भी बोल सकता है। तो फ्रेंड थोड़ा सा ये महंगा रहता है, मतलब कॉस्टली रहता है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है अच्छा दिखता है। तो अगर आपका वेट डॉक्टर रिकमेंड करता है तो आप इसका यूज़ ज़रूर कराएं अपने डॉग में। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया कि इसका जो है 100% ट्रीटमेंट है, मतलब इसका इलाज संभव है,
फ्रेंड, अगर आप इनिशियल स्टेज में अपने डॉग का जो है ट्रीटमेंट अगर किसी वेट डॉक्टर से कराते हैं तो उसके जो है बचने की संभावना पूरी रहती है, मतलब एक प्रकार से 100% जो है उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो फ्रेंड, मेरा सजेशन यही है कि अगर आपके डॉग में कोई भी ऐसा साइन सिम्टम दिखता है तो तुरंत अपने वेट डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसका जो है प्रॉपर टाइम पे जो है ट्रीटमेंट कराएं। उससे आपको लास्ट में बताते हैं इसका जो है प्रिवेंशन कैसे किया जाए। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में भी बोल चुका हूँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, उसका डॉग का वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। तो फ्रेंड, जैसे ही आपका पपी जो है 45 डेज का होता है आपने वेट डॉक्टर के पास ले जाइए, तो उसका जो है फर्स्ट वैक्सीन जो रहता है 7-in-1, मतलब 7 डिजीज के लिए वैक्सीन वो कंबाइंड रहता है। इसमें क्या होता है, डिस्टेंपर के लिए भी वैक्सीन रहता है। तो फ्रेंड, इसको दिलाने के बाद जो है आप 21 दिन बाद जो है उसका बूस्टर भी दिलाना पड़ता है। तो इसके दिलाने के बाद जो है उसको डिस्टेंपर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो फ्रेंड, मेरा रिकमेंडेशन है हमेशा एकदम रेगुलर टाइम पे अपने डॉग का जो है वैक्सीनेशन कराते रहिए। फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इससे क्या होगा, आपको पेट रिलेटेड जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। ओके फ्रेंड, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। जय हिंद।